ये एथिल है, ये एसीटेट है, एसीटेट बनता है। तो अभी क्या हो गई है, जब कोई अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कैनिजारो अभिक्रिया मतलब कि एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, तो कैनिजारो अभिक्रिया देता है जिससे जल कणराकरण होने पर एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया टिसंको अभिक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ हिंदी में तुमने लिखी है, यह अभिक्रिया है। पता नहीं यार नाम कैसे बनाने नहीं आ रहे यार। अब एक बात बताओ, जब तुमसे नाम बनाने नहीं आएंगे तुम बैठे क्यों इंटर में, क्योंकि अभिक्रिया तो नाम से चल रही है। जब तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि एसिटाल्डिहाइड किसे कहते हैं तो गर्म किसे करोगे। अगर परिभाषा तो शुरू ही यहां से होती है कि जब किसी एस्टर को या किसी एसिटेट को या किसी एसीटोन को, अब पता चला तुम कह रहे हो कि एसीटोन को गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, तो जो तुम्हें एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता हो तो गर्म किसे करोगे, कहाँ की अभिक्रिया हो जाएंगी। और 10वें चैप्टर से तुम्हें पता ही है कि सारी की सारी रिएक्शन ही चल रही है। रिएक्शन हिंदी, रिएक्शन हिंदी, इसके अलावा बताओ कुछ और नई चीज कर दी हो तुमने तो, किसी भी चैप्टर में देख लो। और याद रखना 60% अभिक्रियाएं चलेंगी पूरे चैप्टर में, पूरे इसमें जो पेपर आएगा बोर्ड का तुम्हारे, अभिक्रिया का खेल होता है केमिस्ट्री है सारी। सर तुम्हारे 7 चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक के रहते हैं, बाकी सारे चैप्टर तुम्हारे इतने आते हैं, जितने अकेली ऑर्गेनिक आते हैं इतने बाकी दोनों मिलकर आते हैं पीछे के जितने भी। नाम बनाने नहीं आ रहे यार, पता ना ऐसा सोच रहे कि बस ठीक है बैठे हैं कुछ भी बोल जाओ थोड़ी देर सुनेंगे गायब हो जाएंगे। यार इतनी कॉमनली चीज बताइए कि भाई साहब अगर किसी को पता चल जाए ना ढंग से तो पता नहीं कहाँ से रॉकेट बन जाएगा केमिस्ट्री में। वो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो यह बंदर के हाथ में AK-47 दे रखी है, वो नाल भी अपनी उड़ करके चला रहा। किसी ढंग के आदमी के हाथ में अगर जो ऐसी पढ़ाई हाथ लग जाए ना तो जाने कहाँ से कहाँ पहुंचे, ऐसे कैसे बैठे हैं। कोई एक आदमी को नाम नहीं पता चल गया क्या नाम बनने हैं क्या नहीं बनने हैं। अब तो एक बात बताओ, अभी किराए हो तो तुमसे उम्मीद ही नहीं लगा सकते, काय के लिए बैठे हैं ये तो फालतू का, तुम अपनी कॉपी नीली की नीली काली करने पर लग रहे हो। अभी किराए कैसे हो जाएंगे तुमसे जब तुमसे नाम ना बनने, तो अगर आदमी ढंग से नाम को घूर लेना तो भी, यहाँ तो ट्रिक पर ट्रिक बता जा रहे, नाम को ढंग से घूर लेना तो भी याद हो जाते हैं नाम। और प्रथम प्रथम श्रेणी के नाम है ये, अभी तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड और इतने बड़े बड़े कार्बनों के नाम है, द्वितीयक तृतीयक वो इतने वो तो अभी तुम्हारे सामने आए भी नहीं है। तो फिर क्या करोगे तुम, जब तुम्हें सिंगल सीरीज वाले जो सिंपल नाम होते हैं अभी वो ही नाम ना बनने दो। जबकि इंटर में ये नाम तो बहुत कॉमन सी बात है कि हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता होते हैं, जो बिल्कुल फेल होने वाला होता है ये नाम तो उसे पता होते हैं, पास होने वाले की तो अलग बात रही। उतारो यार कैसे लोग हैं, पता नहीं अभी किराए नहीं हो रही है यार। हेडिंग है पर किन अभिक्रिया, पर किन अभिक्रिया, उस दिन जो मैंने नाम लिखवाए थे तुम्हें एसी वाले या एसिटिक वाले और फॉर्मी वाले, एक बार सारे के सारे पलट के देख लियो जरा, मरमरा जाओगे मेरे हाथों से, बार बार वही नाम आ जा रहे हैं और मैं अपने लिए पढ़ाया जा रहा हूँ। और आपका जिससे पूछो ना ईमानदार से बता दियो ना भाग जाओ एकदम से उठते मेरे वहां पहुंचने से पहले। क्या नालायक आदमी यार, डर नाम की चीज़ें खत्म हो गई। अब दो चीज़ें पढ़ाई, या तो शौक से कर लो या खौफ से कर लो, शौक तुम्हें ज्यादा बचा नहीं है तो खौफ तो पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल यार बिल्कुल, ऐसे याद रुमा रहे हैं तो कुछ कहते ना दिखे यार, लास्ट टाइम चल रहा है, अगले 15-20 दिन बाद केमिस्ट्री खत्म हो रही है, इन नलायकों को पता ही ना चल जाएगा कुछ भी, सारी रामायण खत्म हो गई, कोई करेक्टर ही ना पता ही ना। हाँ तुम्हें कुछ नहीं पता, अच्छा आया ही नहीं, चलो अभी तो अगले साल का पूरा मौका तुम्हारे पास। CH3COOCO CH3, अबे से याद क्या नाम होगा इसका नहीं पता। हाँ भाई जान, हाँ एसिटिल क्लोराइड, एसिटोकिटोन, हाँ ये भी ठीक है। हाँ भाई पीछे बताइए। हाँ ये जुबैर, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर, देखो इधर 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, CH3CONA। हाँ जी लड़की में सोचती है क्या नाम होगा इसका। हाँ जी तुम बताओ इसका नाम क्या होगा। सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में
180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, तो जी यहां से दो एच निकलेंगे, ध्यान से देखो, यहां से दो एच निकलेंगे और वो ओ के साथ जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, एक एच, और ये पूरा पूरा यहां से ना इधर जुड़ेगा जाके, तो ये होगा सी एच डबल बंद सी एच और जी सी डबल ओ एच। अब ये तो अलग निकाले, ये अलग हो गया है, अब यहां से सी डबल ओ यहां तक हो गया अलग, अब देखो क्या बचा है, तो जी बचा है क्या, सी एस थ्री यहां तक चला गया है हमारा, और सी ओ सी एच ठीक है, और सी एस थ्री सी ओ और एक ओ, क्या रह गया है, एक सी एस थ्री ये जो भी बना है ये बनता है सिनेमिक अम्ल, तुम्हारी हो गई है, जब बेंजामिक हाइड्रेट को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है, यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया तो हो गई। अगला उत्पाद देखो क्या क्या बचा है हमारे पास, एक बचा है ओ सी ओ और एच, चाहिए हो कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, दो दो चार, यहाँ है एक दो तीन चार, ठीक हो गया, एच काउंट करना तीन तीन छः, और यहाँ जो एच छः सात, तीन तीन छः और एक सात, यहाँ हो गए चार पाँच छः सात, पूरे हो गए सही दो यार, इसने में कम बनता है, लिखो जी। देखो ये जब बेंजाल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है, याद रखना खाना एक सैलिसिलिक अम्ल लिखा था हमने, एक सिनेमिक अम्ल लिखा था, सैलिसिलिक अम्ल कहाँ बना था, सैलिसिलिक अम्ल कहीं बना था क्या, कौन से अभिक्रिया में, कई साल पहले, जब बेंजाल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहली, एल्कोहली का मतलब है C2H5OH और KCN, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड, मतलब पोटेशियम साइनाइड इसके अंदर घुला हुआ होगा, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो वो परस्पर संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, मतलब जो भी उत्पाद बनेगा उसका नाम बेंजोइन होगा, बेंजोइन बनाते हैं और यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है, तो यह है जब बेंजाल्डिहाइड, तो ऐसे कैसे अणु जुड़ जाते हैं इसके, देखो कैसे जुड़ेंगे, ये H प्लस ये माइनस, ऐसे ये माइनस और ये प्लस, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, H ऊपर चला जाएगा, ये जो भी बना है ये बेंजोइन कहलाता है, बेंजोइन ठीक है जी, और एक्स्ट्रा उत्पाद कुछ निकलता नहीं है, दोनों ये इसमें जुड़ जाते हैं, परिभाषा हो गई, जब एल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो वह परस्पर संयोग करके या संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है, योगात्मक उत्पाद बनता है, सिंपल से अभिक्रिया लिखेंगे, जब बेंजाल्डिहाइड के
दो अणुओं जब बेंजल हाइड के दो अणुओं को बेंजल हाइड के दो अणुओं को एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो वह परस्पर संघनित होकर तो वह परस्पर संयोग लिख देना संयोग करके तो वह परस्पर संयोग करके बेंजोइन बनाते हैं तो वह परस्पर संयोग करके बेंजोइन बनाते हैं और यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। उदाहरण लो जो नीचे वाली अभिक्रिया और उसके बाद जो है एक नोट डालेंगे नोट में ऐसे लिखते रहो यार क्योंकि नोट भी लिखना भाई ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड एक मिनट जरा देख लेना ये उतार लेना अभी क्या बेंजोइन संघनन बेंजोइन संघनन नहीं उतारी अभी अभी जो मैं करवा रहा हूँ एक साथ ही कर देना देखो भाई जरा एक मिनट जरा अरे देख लो जरा एक मिनट कितना उतार रहे हैं उतार जल्दी मैम साहब रिंग कहाँ है रिंग एक्सन पे पहले फिर रहो सारी केमिस्ट्री अब देख लो मैट जरा ये लाइन के लिखी है एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो ये जितने भी यौगिक इंस आकर जुड़ेंगे ना तो मेटापोजिशन पर आकर जुड़ेंगे। इससे पहले वाले जो हमने किए थे फिनोनोल वगैरह वो कौन पे किए थे ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते थे वो मतलब अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है ये और इससे हम बेंजल्डिहाइड से
क्लोरीनीकरण करा दें हम, क्लोरीनीकरण नॉर्मली FeCl3 की उपस्थिति में होता है, तो क्लोरीनीकरण करा दें तो ये ना ऑर्थो पर जुड़वाएगा ना पैरा पर जुड़वाएगा, ये मेटा पोजिशन पर भेजेगा इसे Cl को, ये एल्डिहाइड जो है ये Cl से कहेगा भाई मेटा पोजिशन खाली होती है हमारे पास, ये खाली नहीं होती हैं, तो जुड़ने वाले यौगिक को सिर्फ मेटा पोजिशन पर भेजेगा CHO, तो ये आ जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H खाली होगा क्योंकि यहाँ CH होता है, एक H खाली होगा वो Cl के साथ क्रिया करके HCl बना देगा। यही काम जो है वो एसिटोफिनोन भी करता है, जो एरोमेटिक है ये होता है ना COCH3, जैसे बेंजल्डिहाइड होता है तो ये कीटोन का एरोमेटिक होता है, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोल फेनिल से बना है फिनोन, इसमें भी यही क्रिया कराएंगे FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये भी Cl को यहीं भेजेगा CO और CH3, HCl इसमें वाले निकल जाएंगे। नाम की बात करें तो इसका नाम देखो क्या होगा, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और यहाँ मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन फिनोन। इसके बाद जो है वो नाइट्रीकरण आ जाएगा, किस चीज से क्रिया होगी नाइट्रीकरण में, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में हम एल्डिहाइड को किससे करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, सांद्र वाला, ये भी सांद्र लिया जाता है करते हैं, तो यहाँ से OH खाली होगा और यहाँ से H खाली होगा, जल निकल जाएगा और यहाँ जो बचेगा ना वो NO2 बचेगा क्योंकि 3 में से एक वो इधर चला जाएगा H के साथ। देखो बेंजल्डिहाइड से कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ NO2 जुड़ जाएगा, बाकी H2O है वो अलग निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो क्या, बेंजल्डिहाइड। और यही काम तुम कीटोन के साथ भी करोगे, तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, जैसे मेटा क्लोरो होता तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद आ जाता है सल्फोनीकरण, किस चीज से क्रिया करेंगे, SO2 से, जब बेंजल्डिहाइड को H2SO4 के साथ सीधा सीधा गर्म कर देते हैं बिल्कुल, तो OH तो अलग निकल जाएगा, HSO3 जो है वो अलग हो जाता है, ये प्लस वाला रहता है, माइनस मतलब इसमें का एक O इसके साथ रहता है, ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया और यहाँ जुड़ जाता है HSO3, सल्फोनिक अम्ल कहलाता है, इसका नाम पूरा ऐसे बोला जाएगा, तो ऐसे बोला जाएगा, देखो जी ना सल्फोनिक पहले नहीं आता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है, बाद में आता है, बेंजल्डिहाइड मेटा सल्फोनिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड मेटा सल्फोनिक अम्ल, ऐसे वहाँ भी हो जाएगा एसिटोफिनोन, ये मेटा सल्फोनिक अम्ल, तो हाँ मतलब ये हो रही है, हाँ जो एल्डिहाइड काम करेगा वही कीटोन काम करेगा और मेटा पे जोड़ेगा, मतलब तुम्हें सिर्फ यहाँ चेंज करना है ये वाला, बाकी नाम सब वही आ जाएंगे, इतना करना है। हाँ तो ये जो है ना तुम्हारे पास, ये चैप्टर जो है तुम्हारा दो तिहाई खत्म हुआ है, दो तिहाई खत्म होने का मतलब ये चैप्टर 3 नाम से जाने जाते हैं, क्या क्या था, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कल जो स्टार्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट होगा, एरोमेटिक बेंजीन को कहते हैं, बेंजीन से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं वो रिंग वाले होंगे सब, वो सब आर सब के सब एरोमेटिक कहलाएंगे।